दर्शन न्यूज। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पिछले 45 वर्षों से लगातार गंगरार में गुजरात से आकर बसे हुए गुजराती मोची समाज द्वारा शारदीय नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भारतीय संस्कृति में एकता के रूप में मनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त सिर्फ इस त्योहार को माँ पूजा करके ही नहीं मनाते, बल्कि साथ ही पारंपरिक और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग गीत गाकर गरबा और डांडिया भी खेलते हैं। नवरात्र में माता जी को रोजाना अलग अलग प्रकार के मिष्ठान और प्रसाद के द्वारा भोग लगाया जाता है और विश्व में शांति की कामना की जाती है। इस शुभ अवसर पर समाज के अध्यक्ष मिश्री लाल जी उमेतिया ने बताया कि उपाध्यक्ष मंगी लाल जी और किशोर कोषाध्यक्ष भवानी शंकर, सदस्यगण गोपाल जी, यमन जी, मनोहर जी, राहुल जी, दिलीप, देवदत्त, शंभु जी, राजेश जी और गरबा नौ युवक मंडल सदस्य इस व्यवस्था की अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। नवरात्रि के अंतिम दिवस रात्रि जागरण के पश्चात सुबह दशहरा का शोभा यात्रा के रूप में मूर्ति और गरबा को स्थानीय नाहर सिंह माता जी के वहां ले जाकर विसर्जन किया जाता है। राजस्थान से रंजीत जी नगर की रिपोर्ट। मातनी माता रानी सबनी मनोकामना पूर्ण करे, सबनो माता बहनों सबनो आशीर्वाद बने तो करे।